हेलो एंड वेलकम गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक गेम प्ले के साथ जो है पेलोड मोड का गेम प्ले, जहां पे मैं खेलने वाला हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। और गाइस यहां पे मुझे एक चैलेंज करना है। चैलेंज में ये है कि मुझे स्कूल पे या कोई भी ऐसी जगह पे उतरना है जहां पे हेलीकॉप्टर मिलता है और जहां पे बहुत ज्यादा स्क्वाड उतरती है, और मुझे अकेले जाके वहां से मुझे हेलीकॉप्टर को उठा के लेके जाना है। यानी कि मुझे सबसे पहले वहां पे जंप करना है और सबसे पहले वहां से हेलीकॉप्टर चुरा के वहां से भागना है। तो गाइज हम यहाँ पे, मैं मैप में देख रहा हूँ कि मैप का जो पाथ है वो स्कूल के नज़दीक से जा रहा है, और हमको मालूम है कि स्कूल पे हमको इजीली हेलीकॉप्टर मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहले स्कूल के छत के ऊपर जंप करूँ और हेलीकॉप्टर लेके भाग जाऊँ। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, ऐसा चैलेंज करने में बहुत रिस्क है क्योंकि स्कूल पे बहुत ज़्यादा स्क्वाड उतरती है, और फिलहाल मैं अकेला जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, और स्कूल की तरफ मैं आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे। फिलहाल अगर आपके पास स्क्वाड हो साथ में स्कूल पे, तो शायद आपके चांसेस है कि आप स्कूल पे आसानी से हेलीकॉप्टर लेके भाग जाओ। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा क्योंकि प्लेन का जो पाथ था वो स्कूल के बहुत नज़दीक था। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे साथ चार और बंदे हैं, यानी कि एक स्क्वाड तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है, नीचे मुझे तीन से चार बंदे और, यानी कि दो स्क्वाड है। यहाँ पे बहुत ही निजी मामला होने वाला है। यहाँ पे धोनी चुराया एक रन, धोनी यहाँ पे दूसरा रन लेके भाग चुके हैं। जैसे क्रिकेट में धोनी दो रन चुरा के खुशी होती है, वैसे यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वाड उतरी थी और शायद एक स्क्वाड का इंटरनेट लैग कर रहा था, तो मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर को उठा के भाग चुका हूँ यहाँ से। और यहाँ से मैं अभी आगे कहीं पे सेफ जगह पे जाता हूँ जहाँ से मैं आसानी से लूट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल पहुँच चुका हूँ रोजक की तरफ। मुझे लगता है रोजक आसानी से लूट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है फाइट की। मेरे हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई निशाना दाग रहा है, मुझे जंप करना पड़ेगा, और फिलहाल मैंने जंप कर दिया है और मैंने अपने आप को तो बचा लिया है, मेरे हेलीकॉप्टर को भी कुछ नहीं हुआ है फिलहाल नुकसान। शायद बंदे का एम बिगड़ गया। यहाँ से मैं पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश करूँगा, और अभी कुछ अच्छी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बंदे मुझे ना मिले और मैं आसानी से थोड़ी बहुत लूट भी कर लूँ। क्योंकि अगर आप सेफ जगह जाओगे तो आपको, आप अकेले हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल मैं रूइंस की तरफ थोड़ा आ चुका हूँ, और मुझे लगता है रूइंस मुझे आराम से बहुत अच्छी लूट भी मिल जाएगी, और मैं यहाँ से लूट लेके तैयार भी हो जाऊँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ सोलो हूँ तो ज़्यादा लूट भी नहीं चाहिए मुझे। तो फिलहाल लेवल वन का हेलमेट है, इधर व्हीकल रिपेयर के लिए किट पड़ी है तो वो भी उठा ली हमने, पैन मिल गया हमको। थोड़ा आगे चर्च की तरफ थोड़ा मुड़ता है, चर्च की तरफ धीरे धीरे जाते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी लूट मिल सकती है हमको। तो अभी फिलहाल चर्च की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे बंदे तो नहीं होंगे ना यार, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ओके तो यहाँ पे मुझे M79 मिल चुकी है गन, तो ये बहुत ही तगड़ी गन है। क्लोज रेंज में अगर आपके पास में कोई बंदा आ जाए उसके ऊपर एक शॉट मारो, उसके आसपास पाव पे भी मार दो तो भी बंदा मिल जाता है। यहाँ पे मुझे RPG मिल चुकी है, क्या बात है। तो यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर RPG मुझे मिल चुका है गाइस। तो फिलहाल तो बहुत अच्छी लूट हो चुकी है मेरे पास। लेवल वन का बैग मिल चुका है, और भी कोई अच्छी लूट मिल जाए यार तो काम हो जाए मेरा। यहाँ पे मॉली मिल गई मेरे को। ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ शायद मैंने लूट नहीं देखी, तो लेट्स गो गाइस, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ लूट करने जाते हैं अपन। यहाँ पे ओके मुझे एमओ मिल चुकी है, चलो कोई नहीं थोड़ी काम आएगी एमओ। यहाँ पे AKM या स्कारेल कुछ है नहीं, M4 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैप को देखते हैं, मैप तो फिलहाल तो ठीक है, चलो कहीं जोन के अंदर जाके कहीं पे चले जाते हैं, थोड़ा कोई और जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हमको सुपर वेपन ड्रॉप भी मिल जाए। तो गाइस अभी थोड़ा हेलीकॉप्टर लेके हम थोड़ा घूमे हैं, तो यहाँ पे हम नदी के पास, यानी कि यहाँ पे एक छोटे से छोटे 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 घर होते हैं, मैं उस तरफ थोड़ा आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सुपर वेपन ड्रॉप मिल जाता है, यहाँ पे उसका लोकेशन है। तो फिलहाल मैं इस तरफ थोड़ा मोमेंट लिया है, मैंने रोटेशन लिया है,
हेलीकॉप्टर को मैंने कोने में रख दिया ताकि बंदे जब आए तो उनको इजीली मालूम ना पड़े, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं तो जो बंदे होते हैं कोचिंग की सीट साइड से आते हैं, तो जहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर रखा है उधर कम होते चांसेस। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई हेलीकॉप्टर चुरा सकता है। यहाँ पे अभी भी 2 मिनट बाकी है सुपर वेपन आने में, तो लेट जाते हैं, क्योंकि सुपर वेपन जब आएगा तो बंदे आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक मार लेते हैं मस्त, कभी भी बंदे आ सकते हैं। तो गाइस थोड़ी देर के बाद जब हम देखते हैं तो मुझे कार का पहिया का निशान आता है मैप में, तो यहाँ पे गाड़ी मेरे घर के नजदीक आ चुकी है, क्योंकि सुपर वेपन का टाइम हो चुका है। तो मैंने इसके ऊपर एलपीजी की मिसाइल चला दी है, बूम गाइस, एक साथ 2 किल मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि सुपर वेपन आने में 30 सेकंड बाकी थे। तो वो टाइम पे एक कार आ चुकी थी और मैंने कार को मस्त आरपीजी से, मैंने मिसाइल से मैंने दो बंदों को एक साथ उड़ा दिया। तो फिलहाल हम सुपर वेपन की वेट कर रहे हैं, बस कुछ ही सेकंड बाकी है और सुपर वेपन गाइज हमारे पास होगा, और देखना चाहूँगा क्या मुझे उसमें से कौन सी चीज़ मिल सकती है अच्छी सी। तो धीरे धीरे करके हमारा सुपर वेपन ड्रॉप ऊपर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसमें मुझे क्या बोलते हैं अपनी M31 जो गन है, मिसाइल लॉन्चर है, मुझे वो मिल जाए, क्योंकि उसमें एम बहुत अच्छा होता है और एकदम एक्यूरेट एम लगा के अपन हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी उड़ा सकते हैं। अगर BRDM आती है तो उसको भी हम आसानी से उड़ा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास दूसरा मिसाइल लॉन्चर आ चुका है। फिर गाइज मैं पोचिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो क्योंकि पोचिंग की मैं अभी जोन बनाया है तो यहाँ पे बंदे मिलने के चांसेस है, तो मैंने जोन के कॉर्नर में ही पोचिंग की के कॉर्नर पे ही मैंने अपने हेलीकॉप्टर को रख दिया, ताकि मैं अगर पोचिंग की के ऊपर से जाऊंगा तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को कोई हेलीकॉप्टर में उड़ा दे। फिलहाल मैं कॉर्नर पे खड़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अचानक गाड़ी का साउंड सुनाई देता है, तो मैं गाड़ी को एम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाड़ी मेरे एम में लॉक नहीं होने वाली है। तो फिलहाल मैं पीछे की तरफ जाके एम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लॉन्चर तो मैंने चला लिया है लेकिन गाड़ी बच चुकी है। मुझे लगता है गाड़ी वाले बंदे शायद रुके हैं, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बंदा मुझे आते हुए दिख रहा है सामने की तरफ, उसके ऊपर मिसाइल लॉन्चर मैं चलाया, लेकिन फिलहाल वो बच, ओ गाइज मैं हल्का सा बच चुका हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ मूवमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि अभी बंदे बहुत क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट है हो रही है। और मिसाइल लॉन्चर मैंने उसके ऊपर एक और चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा उसका बहुत अच्छा लक था तो उसकी वजह से बच गया। और थोड़ी देर के बाद गाइज वो दोनों बंदे दो दो या तीन बंदे, मालूम नहीं कितने बंदे थे, तो उन्होंने मेरे पे रश कर दिया था, तो मैंने एक बंदे को मैंने मिसाइल लॉन्चर से उड़ा दिया, दूसरा बंदा मेरे पे रश करने की कोशिश और उसको भी मैंने उड़ा दिया है मिसाइल लॉन्चर से। अभी जो फर्स्ट बंदा है उसको मैं रोटेशन लेके पूरा फिनिश करने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको पूरा फिनिश करने की कोशिश, लेकिन मुझे यहाँ पे दो बंदे दिख रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को रिवाइव कर रहा है, M79 से मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बूम गाइज यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था जो अपने पहले जो मैंने बंदा नॉक किया था उसको रिवाइव कर रहा था। तो टोटल तीन बंदे मेरे पे रश किया था, तो तीनों बंदों को मैंने उड़ा दिया। और गाइज फिर मैंने थोड़ा रोटेशन लिया, क्योंकि जो मेरा हेलीकॉप्टर था वो मेरा हेलीकॉप्टर था वो क्या बोलते हैं फंस चुका था, तो वहाँ से उड़ नहीं पाया मैं, तो फिर मुझे पैदल ही आना पड़ा। और अगर गाड़ी लेता तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको कोई मिसाइल लॉन्चर से उड़ा दे, तो जैसे जोन बना उस तरफ से मेरे को मूवमेंट लेना पड़ा है। उसके बाद गाइज मेरे को पहाड़ी पे बंदे दिखे, तो मैंने उनके ऊपर रॉकेट मिसाइल लॉन्चर चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदे का लक बहुत अच्छा था कि मैंने उसके ऊपर एम किया लेकिन फिर भी बच गया। और मुझे फिर गाइज हेलीकॉप्टर की कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैं पीछे की तरफ मुड़ा और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, हेलीकॉप्टर को हमने एम किया है, हेलीकॉप्टर की तरफ हमारा मिसाइल लॉन्चर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइज बंदे मुझे लगता है बच गए, तीनों के तीनों बंदे, तीन या चार बंदे थे वो पानी में जंप कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा ज़्यादातर नहीं बचने वाले। उसके बाद गाइज मुझे जोन की तरफ मूवमेंट लेना है, और ऐसे मौके पे पूरा ओपन एरिया था, तो मैंने सोचा कि अभी रिस्क लिया जाए और कार लेके हम आगे बढ़ते हैं गाइज। और हमको फिलहाल ये गेम में एक ही चैलेंज करना था, वो था हमको हेलीकॉप्टर लेके भागना, लेकिन गाइज मैंने सोचा कि चलो ये गेम में चिकन डिनर क्यों ना सोलो सोलो में अपन चिकन डिनर लिया जाए, तो उसके लिए मैं गाइज आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल हालात है फिलहाल, क्योंकि ऐसे मौके पे कहीं से भी रॉकेट लॉन्चर आ सकता है, यानी कि मिसाइल का कहीं से भी मिसाइल आ सकती है, तो अभी हम कवर में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज मैंने टावर के पास, गाड़ी के पास मैंने अपनी कवर बना लिया एक छोटा सा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर है हमको, तो
तो यहाँ पे थोड़ी देर छिपे रहेंगे जब तक जोन अपने पास है। तो अभी बाकी के चार बंदों को ढूंढने की थोड़ी कोशिश करेंगे हम। तो मेरे पास मैं एयर स्ट्राइकर भी है गाइस, तो मैं सामने की तरफ देखने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मैंने पहले मिसाइल चलाई थी। बट यहाँ पे मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा है, तो मुझे अभी लगता है थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, फिलहाल थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। आसपास दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस फिर उसके बाद जोन मेरी तरफ नहीं बना, तो मुझे गाड़ी लेके यहाँ पे भागने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जोन अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर मेरे पे मिसाइल कोई चलाने की कोशिश कर रहा है और मुझे भागना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आप लोग अभी हंसे हो वैसे ही मेरे साथ सीन हो गया, चिकन डिनर नहीं हो पाया लेकिन हमने जो चैलेंज लिया था वो हमने कंप्लीट जरूर कर दिया है। बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको देख के और आपको बहुत मजा आया होगा, मतलब।